नमस्कार मित्रों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट्स की। लेकिन लिमिट्स की बात करने से पहले हम एक चीज की बात करेंगे, वो चीज क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है या इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इनडिटर्मिनेट का मतलब हुआ आई एन इन, डिटर्मिनेट मतलब पता करना। तो इनडिटर्मिनेट मतलब जिसकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते या ऐसा रूप जिसकी वैल्यू पता करना मुश्किल है, इनडिटरमाइन है। डिटरमाइन मीन्स पता करना, इन लग गया मतलब उसको हम पता नहीं कर सकते। जैसे 0.0 की वैल्यू, ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या होगी किसी को नहीं पता। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या फिर इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी या फिर 0 की पावर 0, तो इनकी वैल्यूज मीनिंगलेस है, यानी कि ये चीज मीनिंगलेस है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा गया है। तो ऐसे ही इंफिनिटी की पावर 0 या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, देखिए जो बहुत बड़ी वैल्यू है, पता नहीं कितनी बड़ी है, हमें पता ही नहीं है, उसको इंफिनिटी बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं लिमिट्स की। लिमिट्स का मतलब क्या है? तो लिमिट्स का मतलब मैं आपको सिंपली समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है x+5 और लिखा हुआ है लिमिट x→1। तो कहने का मतलब यह है कि एक फंक्शन x+5 है, इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 के आसपास रहे तो बताओ क्या आंसर आएगा। तो x की वैल्यू यहां 1 भर देंगे और +5, यानी कि इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट्स के क्वेश्चन हमें करनी है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, कौन सा तरीका लगेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो जब भी लिमिट का सवाल आए तो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, उन सभी तरीकों को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से लिमिट्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि नाम से पता चला, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, यानी कि डायरेक्टली वैल्यू भर दो। जैसे एग्जांपल, हमें कहा गया है लिमिट x→0 और फंक्शन है x³ + x+3 ब्रैकेट क्लोज। तो x की वैल्यू कितनी पुट करने को आ गई, 0। तो डायरेक्टली जहां जहां x दिखाई दे वहां 0 पुट कर दीजिए। तो 0 की पावर 3, x जहां भी x दिखाई दे वहां 0 भर देना है। तो इससे पहले वाली वीडियो जो फंक्शंस के ऊपर है वो भी आप जरूर देखिए, और भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे बाकी चैप्टर्स के, तो वहां से जाके बाकी चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं। तो 0 की पावर 3, यानी कि 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा। तो 0 लिख दो, +0 + 3, तो 3 में 0 जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 3 ही आएगा। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आइए इसका एक और सवाल कर लेते हैं। इसके दो सवाल करेंगे क्योंकि सबसे आसान तरीका है ये, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इस बार हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह से है, लिमिट x→2 x-2 अपॉन x+1। तो इसमें भी डायरेक्टली x की वैल्यू आप 2 भर दीजिए, x की जगह हम 2 भरेंगे
माइनस टू अपॉन नीचे वाला जो x है उसकी जगह पर भी 2 भरेंगे प्लस 1, तो 2 माइनस 2 0 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 कितना होगा, 0 होगा, तो ये आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें डायरेक्टली जो भी x की वैल्यू दिखाई दे रही है लिमिट पे वो फिल कर देंगे। ये था हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कब यूज नहीं करना है, जब आप मेथड नंबर 2 को समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेथड नंबर 1 कहां यूज करना है और कहां पे नहीं करना है। तो बात की जाएगी मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 का नाम है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि इसके नाम में भी लिखा हुआ है कि इसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए भी एक सवाल पकड़ते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, जहां पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड काम ना करे वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये काम आएंगे, इस बात को आपने ध्यान रखना। पहले हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 3 भरेंगे, तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 3 भरते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 9 अपॉन नीचे वाला 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 9 अपॉन 0, 0 बाय 0। तो ये कौन सी हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई ना, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 कहा गया ना, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 के आसपास भरनी है, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 3 ही भर देनी है। तो x के आसपास की वैल्यू यानी कि 2.99 या 3.01 आप इसमें भरेंगे ना, तो एक सिंपल सी वैल्यू आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू पॉसिबल है, इनडिटर्मिनेट नहीं है। जबकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, इनडिटर्मिनेट, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा गलत आंसर दे रहा है। इसलिए जब भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को मत लगाओ, क्यों, क्योंकि लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉसिबल है, इनडिटर्मिनेट नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने से। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा हो तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो जीरो बन रही है। यहां पे देखिए 3 भरते ही x की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू जीरो बन जा रही है, तो नीचे वाली वैल्यू अगर किसी तरह से कट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम आएगा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखेंगे, 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है और वो फॉर्मूला ये है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b। तो आप कंपेयर कीजिए इस चीज को, अरे यहां पे स्क्वायर है इसको ठीक कर लेते हैं, गलती से मैंने 3 लिख दिया, तो कंपेयर कीजिए x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कंपेयर करने पता लग रहा है कि a x का काम कर रहा है और b 3 का काम कर रहा है। तो जहां जहां पे फॉर्मूले में a नजर आ रहा है, यहां पे a नजर आ रहा है तो वहां पे x भरना है,
माइनस बी, बी की जगह पे 3 भरना है, तो जहां जहां ए वहां पे x और जहां जहां बी वहां पे 3। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है x माइनस 3 x प्लस 3। तो नीचे वाले स्टेप में लिखेंगे हम कि x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, यहां से देखकर जो हमने यहां पे फॉर्मूले से बनाया कि x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की जगह पर x माइनस 3 और इनटू में x प्लस 3 लिखा जा सकता है। तो लिख देते हैं हम भी, तो यहां पे x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं, पर नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैसे की वैसे रहने दीजिए। ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x प्लस 3, और यहां पे लिखते जाइए लिमिट x टेंड्स टू 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब x की वैल्यू भरिए यहां पे डायरेक्टली, तो x की वैल्यू 3 भर के 6, तो ये आंसर आ गया। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम रेशनलाइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो जहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आएगा वहां पे आपको इस मेथड को यूज करना है। तो इसको रब कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है वो इस तरह का है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू 1। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, x की वैल्यू 1 भरेंगे, तो भरते ही आप देखेंगे कि इसका आंसर 0 बन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, ऊपर वाले के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर। तो हमें दो वैल्यू सोचनी है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आई, और प्लस या माइनस करके माइनस 4x आ जाए। तो मैंने वैल्यू क्या सोची, मैंने सोच ली वैल्यू माइनस का 3x और माइनस का 1x, क्योंकि जब मैं प्लस माइनस कर रहा हूं तो माइनस का 4x आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस 3x माइनस 3x दोनों माइनस के हैं, प्लस कर दो 4 बन गया और निशान माइनस का डाल दो। और अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 3x मल्टीप्लाई माइनस 1x, तो 3 बन जा 3, माइनस से माइनस कट जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर आ रहा है, और ये आना भी चाहिए था हमारा, और प्लस या माइनस करके माइनस 4x आ रहा है। तो मेरे नंबर बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज का यूज करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू, एक तो माइनस 3x, एक माइनस 1x। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहां पर तो पहले x स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद जो नंबर हमने सोचे हैं माइनस 3x और माइनस 1x, उनको लिख देंगे माइनस 3x माइनस 1x, और लास्ट वाला नंबर प्लस का 3 वैसे का वैसे। अब पहली दो टर्म्स में से और लास्ट दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो पहली दो में ध्यान से देखो x स्क्वायर और x, x दोनों के पास है तो एक x बाहर निकाल लेते हैं, अंदर एक x रह जाएगा, माइनस 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 के साथ वाला x तो बाहर आ गया ना।
उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसमें से भी सेम ऐसे हम कॉमन निकालेंगे। तो माइनस वन एक्स और प्लस थ्री में कुछ भी कॉमन नहीं है जो दोनों में आए, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वन निकाल लो बाहर। और याद रखो जब भी यहां माइनस से यहां प्लस है तो यहां पे माइनस होगा एक्स और थ्री वैसे के वैसे, क्योंकि कुछ भी इनमें से निकला ही नहीं तो इसीलिए वैसे के वैसे आ गई। ये वन जो है ना एक्स के साथ लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई वन में। और जब भी यहां पे माइनस और प्लस दिखाई दे तो अंदर यहां पे माइनस और यहां पर भी माइनस आएगा, ध्यान रखना। और हम फैक्टराइज सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसको पता करने का एक तरीका हमारे पास है। अगर ये दोनों वैल्यूज x माइनस थ्री यहां पर भी आ रही है यहां पर भी वही वैल्यू आनी चाहिए, अगर सेम आ रही है तो हम सही कर रहे हैं। तो इस x माइनस थ्री को कॉमन निकाल लेंगे, ये बचेगा एक बार x और ये माइनस वन। तो ऊपर वाला जो था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इसके फैक्टर्स बन गए, और ये फैक्टर्स बने x माइनस थ्री और x माइनस वन अपॉन नीचे वाले के फैक्टर्स बनाते हैं। तो नीचे वाले के फैक्टर्स भी आपको सेम ऐसे ही बनाने हैं। तो इस बार हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x प्लस 5, इक्वेशन तो नहीं है इसके फैक्टर बनाने हैं हमें, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है और लास्ट में 5 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5x स्क्वायर। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम तो नंबर आता है 5x स्क्वायर। तो फिर से हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 5x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करके माइनस 6x आए। तो हाँ, माइनस 5x और माइनस का 1x, इन दोनों को देखो प्लस माइनस करके देखो, दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा लेकिन निशान माइनस करेगा, तो माइनस सिक्स आ रहा ना, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस करके। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 बन जा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ रहा है जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म को, यानी कि इस फर्स्ट को और इस लास्ट को मल्टीप्लाई करके आ रहा था। तो हमारे नंबर बिल्कुल सही है, एक नंबर है माइनस 5x और एक है माइनस 1x। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम, और फैक्टराइज कैसे करेंगे, सेम वही तरीके से जैसे हमने ऊपर वाला फैक्टराइज किया था। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, तो दो नंबर हमारे थे क्या क्या, एक तो माइनस का 5x एक माइनस का 1x, और ये लास्ट वाला नंबर प्लस 5 वैसे का वैसे। तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स, पहली दो टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों में ध्यान से देखो x आ रहा है, x बाहर उठा लो, एक x बाहर आ गया, तो यहां एक्स स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया, सिर्फ एक अंदर रह गया, माइनस 5x में से x बाहर निकाल लिया सिर्फ 5 रह गया। अब बात करते हैं लास्ट वाली दो टर्म माइनस 1x और 5, तो माइनस 1x और 5 में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन निकाल लो, और x में से 1 बाहर आ गया या 1 चाहे 1 जो है इसकी टेंशन नहीं लेनी है, 1 मल्टीप्लाई के साथ है x के साथ, तो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और 5 वैसे का वैसे। और मैंने समझाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, यहां माइनस प्लस होगा ऊपर तो यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस। अब चेक करते हैं हमने सही किया है गलत किया फैक्टराइज, यहां पे भी x माइनस 5 आ रहा है, यहां पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है, मतलब हमने फैक्टराइज सही किया है। तो एक बार इस x माइनस 5 को कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इस x और इस माइनस 1 को भी लिख दीजिए एक बार। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 यानी कि इसके फैक्टर्स भी हमारे पास बन गए, वो क्या बने, एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, यानी कि डायरेक्टली वैल्यू भर के देखते हैं एक्स की, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 1 भरने पे यानी कि 1 माइनस 3, और नीचे भी एक्स की जगह 1 भरने पे 1 माइनस 5, तो एक में से 3 तो जा नहीं सकते,
तो हम तीन में से एक घटा देते हैं तो दो आएगा, उल्टा करना पड़ा इसलिए माइनस लगा दो, वन माइनस फाइव, एक में से पांच जा नहीं सकते तो उल्टा कर देते हैं, पांच में से घटा दो चार, उल्टा करना पड़ा इसलिए माइनस लगा दो, ये माइनस से माइनस कट गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो वन बाय टू ये आंसर। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब लास्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे वो है रेशनलाइजेशन मेथड। तो वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, आई होप 30 मिनट तक सारा काम हो जाएगा हमारा। तो लास्ट मेथड है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, लेंथी है लेकिन इसमें आपने लगभग लिमिट के सारे कंसेप्ट या जो मेथड है वो कवर करनी है, आगे डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी बस। मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, अब जैसा कि इसमें पता लग रहा है कि इसमें रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कैसे करना है और कब करना है, ये मेथड तब यूज करना है जब आपको वैल्यूज अंडर रूट में दिखाई दे रही हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा। जैसे कि हमने ऊपर वाला मेथड देखा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उसमें जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता तब उसको लगाते थे। तो रेशनलाइज मेथड की निशानी यह है कि जहां पर अंडर रूट दिखाई देगा वहां पर यह मेथड काम आने वाला है। तो इसके लिए हम सवाल करके देखते हैं। सवाल हमारे पास ये है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो हमें कैसे एग्जाम में पता लगेगा इस मेथड को लगाना है, एक निशानी तो जैसे मैंने कहा कि इसमें अंडर रूट दिखाई देगा, और वैसे भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के देखिए, इसमें वन माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स की वैल्यू जीरो अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो, तो वन माइनस अंडर रूट वन अपॉन जीरो, वन का अंडर रूट वन होता है तो जीरो अपॉन जीरो, इनडिटर्मिनेट बन रही है कि नहीं बन रही है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं आ रहा। और फैक्टराइजेशन तो वैसे नहीं हो सकती इसकी, फैक्टराइज कुछ बन नहीं रही, फैक्टर्स बनने के चांस लग नहीं रहे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड से करेंगे। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा कोई बात नहीं दोबारा सिखा देते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू है तो बीच में इसके माइनस है तो साइन चेंज कर देना है, वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो अंडर रूट वाली जो वैल्यू होगी उसका जो बीच का साइन होगा वो चेंज करके मल्टीप्लाई में भी और नीचे डिवाइड में भी लगा देना, इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं। ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। ऊपर वाली वैल्यू को देखते हैं, ऊपर में अगर मैं वन को ए मान लूं और इस पूरे को बी मान लूं, तो वन को मैंने ए माना हुआ है और इस अंडर रूट वन प्लस एक्स को मैंने बी माना हुआ है, तो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए वन को वन नहीं बोलना, ए बोलना है इसको, ए माइनस और अंडर रूट वन प्लस एक्स को भी बोलना, तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो जब भी हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी हो तो इसका आंसर बनता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहां पे भी देखिए साफ साफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी बन रहा है, तो क्या करेंगे हम, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो a हमारा 1 है तो 1 का स्केयर माइनस b का स्केयर, b हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स है इसका स्केयर, बाकी नीचे जो भी है उनको वैसे का वैसे रहने दीजिए, नीचे वालों को बिल्कुल आपको तंग नहीं करना है। x प्लस अंडर रूट 1 बाई एक्स, तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लाते हैं। वन का स्क्वायर वन
ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ब्रैकेट जरूर लगाइए, जब भी बाहर माइनस दिखाई दे तो ब्रैकेट लगा के अंडर रूट वगैरह गायब कीजिए। एक्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो वन माइनस वन, जब बाहर माइनस हो ना तो अंदर वालों का जो भी साइन है वो उल्टा कर दो, तो वन के सामने कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहां पे प्लस है, तो ये माइनस का हो गया। एक्स के सामने कौन सा निशान है, प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। पर नीचे एज इट इज, तो वन माइनस वन जीरो, माइनस एक्स अपॉन एक्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स। तो बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। तो जीरो माइनस एक्स, माइनस एक्स अपॉन एक्स वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, माइनस वन अपॉन, अच्छा साथ में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो आपको लिखते रहना है, इस चीज को मिस नहीं करना है, मैंने लिखा नहीं है आपने लिखते रहना है। मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं क्योंकि अभी काम नहीं आएगा, वो लास्ट में काम आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के आना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो कटिंग करने के बाद हमारे पास ऊपर माइनस वन बचेगा, नीचे वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स बचेगा। अब वैल्यू भर देते हैं इसमें, एक्स की वैल्यू कितनी भरनी है, जीरो भरनी है, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट वन प्लस जीरो, माइनस वन अपॉन वन प्लस अंडर रूट वन, तो माइनस वन, वन प्लस वन का अंडर रूट वन ही रहता है, तो माइनस वन और नीचे टू, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो एक और हम इसका क्वेश्चन करते हैं, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन का, और इसके बाद फिर हमारा ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और आपका जो बेसिक्स है लिमिट्स को सॉल्व करने का वो भी आपको आ जाएगा करना। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस बार हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ऊपर है टू माइनस एक्स अंडर रूट फाइव प्लस एक्स, माइनस रूट थ्री प्लस टू एक्स। तो इसमें आपको अंडर रूट दिखाई दे रहा है, तो इसमें मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन ही लगेगा, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो काम नहीं आने वाला। तो इसलिए रेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे हम, और वो कैसे अप्लाई करते हैं, जो अंडर रूट वाला है उसके पास नजर रखनी हमें, तो टू माइनस एक्स के पास अंडर रूट नहीं है, इसको तो फिर कुछ करना ही नहीं है, इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, माइनस थ्री प्लस टू एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट वाले नीचे वाली वैल्यू बीच में क्या दिख रहा है, माइनस, तो साइन उल्टा कर लो, फाइव प्लस एक्स, साइन उल्टा कर लिया हमने, यहां पे प्लस डाल लिया, अंडर रूट थ्री प्लस टू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने, और नीचे इसको डिवाइड में डाल दो, थ्री प्लस टू एक्स। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने लगाया नहीं है, लगाएंगे तो इनडिटर्मिनेट बनेगी, आप चाहें तो पुट करके देख सकते हैं। अब फिर से अगर इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ये यानी कि अंडर रूट फाइव प्लस एक्स को ए माना गया है और अंडर रूट थ्री प्लस टू एक्स को बी माना गया है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई है अगर a प्लस बी से, तो इसका आंसर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर वाले में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा। नीचे वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ए हमारा था अंडर रूट फाइव प्लस एक्स का, ये ए है इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारा है थ्री प्लस टू एक्स अंडर रूट, ये बी है इसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, टू माइनस एक्स ब्रैकेट फाइव प्लस एक्स, अच्छा लिमिट एक्सटेंड्स टू जो था हमारे पास वो मैं यहां पे नहीं भर रहा हूं, वो आपको लिखते रहना साथ साथ, थ्री प्लस टू एक्स अपोन फाइव प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, फिर लिखिए थ्री प्लस टू एक्स। तो नीचे वाले जो थे उनका रूट खत्म कर दिया मैंने, फिर से ऊपर वाले वैल्यू वैसी की वैसी, नीचे देखते हैं क्या बनता है इस बार। फाइव प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो मैंने क्या बोला, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले जितनी भी, जैसे थ्री था तो आगे प्लस मान सकते हैं आप, तो ये प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस टू एक्स, तो ये बनेगा टू माइनस एक्स अंडर रूट फाइव प्लस एक्स प्लस अंडर रूट थ्री प्लस टू एक्स अपॉन, नीचे देखिए फाइव माइनस टू, और फाइव माइनस थ्री कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो इसको हम टू लिख लेंगे। ये वन एक्स है, जहां कुछ नहीं है वहां वन एक्स, वन एक्स माइनस टू एक्स, तो वन में से टू नहीं जा सकते ना, तो हमें उल्टा करना पड़ रहा है, तो हम टू में से वन कर देंगे, तो वन एक्स बचेगा, लेकिन निशान किसका डालेंगे, माइनस का। तो अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू भी 2 माइनस एक्स है और नीचे वाली वैल्यू भी 2 माइनस एक्स है, 1x का मतलब x कट गया, आंसर हमारे पास बचा 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2x। अच्छा ये साइड वाला डिस्टर्ब कर रहा है क्या, इसको हटा देते हैं। अब 5 प्लस एक्स प्लस ये आ गया हमारे पास, अब लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट क्या थी हमारे पास, लिमिट थी x टेंड्स टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो भरते हैं वैल्यू 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 x की जगह पे 2, ये बन गया अंडर रूट 7 प्लस 3 प्लस 4, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, तो इसको हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 7, तो ये फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर, आप डिस्क्रिप्शन में कह रहा हूं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।